बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जेपी नड्डा के स्वागत में पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ रांची पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस उत्साह का जायजा लिया संवाददाता काजल ने। आज राजधानी में संकल्प यात्रा समापन के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की पूरी भाजपा पार्टी की ओर से एक रंगारंग तरीके से रैली निकाली गई है जिसमें कई लोग शामिल हुए हैं और इसमें कई सारे लोग समर्थन कार्यकर्ता शामिल हैं, कई कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हैं। वही हमारे साथ रमेश सिंह जी हैं। रमेश जी, जेपी नड्डा का स्वागत किस तरीके से करें, जेपी नड्डा जी का स्वागत किस तरीके से करेंगे और आज इस तरीके से भव्य रैली निकाली आप लोगों ने? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और बाबूलाल जी मरांडी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका संकल्प यात्रा का समापन है। पूरे राज्य में उन्होंने विधानसभा वाइज संकल्प यात्रा के रैलियाँ की, उसमें लगातार उनको सफलता मिल रही थी, अत्याधिक भी आ रही थी। आज समापन है, समापन में कार्यकर्ता उत्साहित है। हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा जी का स्वागत करने जा रहे हैं और बाबूलाल जी मरांडी के उद्बोधन उनके भाग उनके उद्बोधन को हम लोग सुनेंगे और कार्यकर्ता उत्साहित है पूरे रूप से। और कितने लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और कितने जो समर्थक है शामिल? 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं। पूरा हरमू जाम है, पूरा शहर जाम है। हम हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर अपने नेतृत्व में बाबूलाल जी मरांडी जी और जेपी नड्डा जी का वक्तव्य को सुनने हम लोग जा रहे हैं और वही करेंगे। जिस तरीके से रमेश जी ने बताया 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का झारखंड पर विशेष ध्यान है, इसी सिलसिले में पार्टी की ओर से सभी जितना माफ कीजिएगा सिलसिले में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प सभा का आयोजन किया गया था और संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर राज्य में आयोजित मुख्य समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसी चीज को लेकर के पूरी की पूरी राजधानी में रैली निकाली जा रही है और राजधानी में सैकड़ों लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं और ये सारी जो रैली है जो हरमू मैदान में जाकर के समापन की जाएगी इस रैली की, हजारों सैकड़ों झारखंडवासी राजधानी वासी इस चीज में शामिल हो रहे हैं जिसको लेकर के पूरी की पूरी राजधानी के जो समर्थक हैं वो लगातार इस चीज में भाजपा समर्थक लोग सड़कों पे उतरे हैं और साथ ही साथ कई कार्यकर्ता इस सड़क पे उतरे हैं और साथ ही रैली में शामिल हुए हैं और इस रैली के दौरान लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को अपने साथ जोड़ रही है, झारखंड वासियों को राजधानी वासियों को जोड़ रही है, आप इस वक्त कैमरे पे देख सकते हैं कि पूरी राजधानी इस वक्त भाजपा मई हो चुकी है। लोग जो हैं रैली में शामिल हुए हैं, ऑटो स्कॉर्पियो बोलेरो जो आप देख सकेंगे सभी झारखंड राजधानी वासी भाजपा के समर्थन में सड़क पे उतरी हुई है और साथ ही हरमू मैदान तक का ये सफ़र है, सभी लोग वहाँ सम्मिलित होंगे। और साथ ही साथ रमेश जी ने हमें बताया कि नड्डा जी का जिस तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा, सारी की सारी तैयारियों को लेकर के आज की ये रैली निकाली गई है, कई लोग शामिल हुए हैं इसमें और राजधानी के लगभग लोग इसमें शामिल हुए हैं और भाजपा के जयकारे के नारों के साथ सभी लोगों की शामिलता है इसमें और सिर्फ राजधानी के शहरी इलाकों से नहीं बल्कि राजधानी के ग्रामीण इलाकों से भी समर्थक यहाँ पहुँचे हैं और जो भाजपा को है समर्थन देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, सहयोगी दीपक के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची।